हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। जैसा कि आज IBPS RRB PO PRE की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि सर सेफ अटैम्प्ट कितना रहेगा। अगर IBPS RRB PO PRE की बात करें तो मैंने कल या परसों वीडियो में कहा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो है क्वेश्चन का सिलेक्शन, और इन 45 मिनट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चाहे अगर रीजनिंग की बात करें तो कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई पज़ल ऐसी ज़रूर आएगी जो आपका टाइम वेस्ट कराने की कोशिश करेगी। और क्वांट का लेवल तो आजकल एग्ज़ाम में आपका टाइम टेकन, कैलकुलेटिव, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिल ही रहा है, और वो आज भी हमें क्वांट में देखने को मिला है। अब जिनका क्वेश्चन का सिलेक्शन आज बहुत अच्छा रहा है, जिनका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, तो उनके हमें रीजनिंग में 30 प्लस अटैम्प्ट और क्वांट में 20 से 25 के बीच में देखने को मिले हैं। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट उनके क्वांट के सेक्शन पर पड़ा है। रीजनिंग में उनके भी ठीक ठाक और अच्छे अटैम्प्ट देखने को मिले, लेकिन क्वांट में 17, 18, 19, 21 ऐसे अटैम्प्ट देखने को मिले हैं। अगर हम सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 50 प्लस आपके बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट माने जाएंगे और आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, आपका राजस्थान हुआ, जहां में हाई कट ऑफ देखने को मिलती है, तो 55 से 60 के बीच में आपके बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट माने जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनके 50 से कम हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा या वो रेस से बाहर होगा। देखो, जो सिर्फ टफ रहेगी उसमें नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में अब लग जाइए। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% रही है तो आपकी 50 से कम में भी बिल्कुल चांस रहेंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और कितने आपके अटैम्प्ट रहे हैं और किस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।